आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून। उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम तरह की मांगे उठ रही है। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया, जिसके बाद तमाम तरीके से अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसको लेकर तमाम तरीके से तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको इत्मीनान से बताएंगे कि आखिर ये क्या है और ये भारत में क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करते हुए बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम पहलुओं को बताएंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है और आखिर ये क्यों जरूरी है और भारत में इसकी क्यों जरूरत है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। यानी कि बात की जाए वन नेशन वन लॉ, यानी कि एक देश एक कानून की तर्ज पर है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू किया गया है। अगर ये लागू होता है तो यानी कि जमीन जायदाद के या तक कि शादी तलाक के तमाम मसलों में एक ही कानून मान्य होगा, यानी कि इसमें किसी भी धर्म जाति समुदाय को कोई भी जो तमाम तरीके के नियम है उनको फॉलो ना करते हुए इसी के तहत जितने भी गाइडलाइंस आएंगी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आएंगी और उन्हीं के तहत ही सुनवाई की जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए सिर्फ एक ही कानून होगा, इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं होगा। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। इससे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट से लोगों को वंचित होना पड़ेगा, यानी कि जो एक विशेष धर्म जाति समुदाय है उसको ये कानून सपोर्ट नहीं करता। सभी के लिए एक देश एक कानून की नीति पर ये पूरा आधारित है, यानी कि तलाक हो, शादी हो, प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम मसले हो, ये सब एक देश एक कानून के तहत होंगे। यानी कि ना तो अब मुस्लिम लॉ बोर्ड की और ना ही कोई पर्सनल लॉ को फॉलो किया जाएगा। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो सभी में तमाम तरीके से अलग अलग कानून है। मुसलमानों की अगर बात करें, मुस्लिम बोर्ड की बात करें तो उनके अलग कानून है। तो अब सब जगह पर एक ही कानून मान्य होगा अगर ये लागू किया जाता है तो। अब बात कर लेते कि किन किन देशों में अब तक ये लागू हो चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लागू कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता को यहां पर लागू कर दिया गया है। इन देशों में इसी की तर्ज पर तमाम तरीके से फैसले लिए जाते हैं। इसकी वजह से तमाम तरीके से फायदे भी देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता आती है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य को ये अधिकार है कि वो समान नागरिक संहिता को लागू कर सकता है। किस तरीके से यूसीसी को लेकर तमाम तरीके की बैठक भी सामने आ रही है, किस तरीके से हम तमाम तरीके से बताएंगे आपको। धर्म जाति, इसके क्या फायदे हैं? धर्म जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएंगे। जिस तरीके से इसको लेकर तमाम तरीके से नए जग अगर हम गौर किया जाए, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं और तमाम तरीके से जो मांगे उठ रही हैं ये आजादी से पहले से उठ रही हैं। और समान नागरिकता संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों के को एक समान अधिकार मिलेगा, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, सभी के लिए एक समान अधिकार होगा। हम हमेशा से बात करते हैं समानता के अधिकार की, तो समान रूप से मिलेगा। इसके तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ एक ही लॉ लागू होगा, वो होगा सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता ही लागू होगी। अगर ये लागू होती है तो देश और समाज को जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी। कुछ ऐसे कानून हैं जिनसे कि काफी
बार देखा गया महिलाओं के अधिकारों का हनन होता रहा है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। इसको लेकर तमाम तरीके के कंफ्लिक्ट भी सामने आते रहे हैं, विवादों में ये घिरता रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके से कांग्रेस के शासन काल से भी ये मांग उठती रही है, लेकिन भाजपा के जब शासन काल में इसे लागू करने को लेकर, इससे पहले उत्तराखंड में इसको लेकर मांग उठी थी, अब उसके बाद यूपी में इसको लेकर जो है डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान के बाद तमाम तरीके से इसको लेकर सियासी घमासान भी मचता गया है। कुछ लोग इसको मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ राजनीति इस तरीके से परवान चढ़ रही है कि उनका मानना है कि ये मुद्दों से भटकाने का है। धर्म जाति के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिल जाएगा, ना किसी के लिए ज्यादा ना किसी के लिए कम, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो सभी के लिए वो समान होंगे, यानी कि इससे पहले जो हलाला जैसा निकाह था, तमाम तरीके से ट्रिपल तलाक जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे छुटकारा मिलेगा। किस तरीके से अगर ये सामने आता है, अगर लागू होता है, तो इसको लेके तमाम तरीके से कोर्ट से ही तलाक के मामलों में निपटारा किया जाएगा। अब बहुत बार देखा गया है कि अगर पत्नी पति अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से, अगर किसी भी लॉ के हिसाब से अगर ट्रिपल तलाक की हम बात करें, तो एक वो ट्रिपल तलाक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट सीधा कोर्ट से ही इस तरीके के मामलों में, यानी कि शादी हो, तलाक हो, गोद लेना हो, या फिर जायदाद के मसले हो, तमाम तरीके के मसले सिर्फ एक ही नियम के अंतर्गत आएंगे, एक ही कानून लागू होगा, चाहे किसी भी धर्म जाति समुदाय या लिंग का हो, उसके सभी के लिए एक ही कानून लागू होगा। महिलाओं को इससे समान अधिकार मिलेंगे। जैसा कि बताया गया है कि शाह बानो का केस सामने आया, शाह बानो के केस में भी मांग उठी कॉमन सिविल कोड को लागू करने को लेकर, साहबानों के केस सामने आया जहां पर इसको लेकर मांग उठी। उसके बाद एक और केस सामने आया जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर अपना पक्ष जाहिर किया और कहा कि इस तरीके के कानून की जरूरत है। और वहीं अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी इसको लेकर खुले तौर पर अपना पक्ष स्पष्ट किया गया है। क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है इसको लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाक के मसले के दौरान अपना फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि देश धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। एक तलाक के मसले में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। ये जो तलाक के मसले के दौरान ये जो जस्टिस प्रतिभा एस सिंह ने ये पूरा जो तलाक, ये 9 जुलाई 2021 को तलाक का एक फैसला सुनाते वक्त, तलाक को लेकर एक फैसला सुनाते वक्त जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरीके का फैसला सुनाया, तो उन्होंने बताया कि इसकी जरूरत है। 9 तारीख को ये फैसला सुनाया गया था, 9 जुलाई साल 2021 को ये फैसला सुनाया गया था, जिसमें कि कॉमन सिविल कोड को काफी महत्वपूर्ण बताया गया और उसे लागू करने की बात कही गई। कॉमन सिविल कोड आने से महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे, महिलाओं को जो जिस तरीके से, फिर साल 1985 का केस ले ले, शाह बानो का केस ले ले, किस तरीके से जो हर कानून इसमें अगर ये लागू होता है तो महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। जिस तरीके से एक पत्नी बहु पत्नियों से भी जो बात सामने आई है, उससे उस तर्ज से छुटकारा मिलेगा। एक पत्नी एक पति की अवधारणा एक समान रूप से लागू होगी और तमाम तरीके से महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जिस तरीके से सामने आया है कि किसी भी पर्टिकुलर किसी भी धर्म या जाति को सपोर्ट न करते हुए इसके तहत तमाम तरीके के मसलों को खत्म किया जा सकता है। सीए और एनआरसी को जब वापस ले लिया गया था, सॉरी माफी चाहती हूं इसको लेकर, किसान बिल को जब वापस कर दिया गया था, उसके बाद जब सीए और एनआरसी की बात आई थी, उसको लेकर भी मांग उठी थी कि ये भी वापस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब जब मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको लेकर तमाम तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, तो उस वक्त भी सिविल कोड को, कॉमन सिविल कोड को लेकर मांग उठी थी,
जिसमें कि कॉमन सिविल कोड को लेकर मांग उठी थी। उस वक्त भी तमाम तरीके से कॉमन सिविल कोड को कुछ समुदायों ने आवश्यक बताया था। बात की जाए अगर कॉमन सिविल कोड को लेकर तो हिंदू महापंचायत की ओर से भी इसको लेकर पांच चीजें थी जो बताई गई थी। पहला थी समान शिक्षा कानून, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण और देवस्थान मंदिर मुक्ति। तमाम तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यानी कि वन नेशन वन लॉ को लेकर कुछ पक्ष, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसका पक्ष जाहिर किया है, तो वहीं कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका विरोध जताया है। उनका उन्होंने इसे अपने खिलाफ बताया है इस कानून को तमाम तरीके से। और कुछ कुछ पॉलिटिशियन ने यानी कि सपा के कार्यकर्ताओं की ओर से अनुराग भदौरिया की तरफ से भी इस तरीके की बात सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि महंगाई और तमाम तरीके के जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, महंगाई का मुद्दा चल रहा है, अभी हाल ही में जहांगीरपुरी की घटना हुई, हिंसात्मक घटना हुई, उन घटनाओं से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कि तमाम तरीके से सपा नेता की तरफ से ये बयान आया कि तमाम तरीके से अनुराग भदौरिया की तरफ से बयान आया कि हटाने का प्रयास किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का, इस तरीके का अलाप हर बार भाजपा सरकार करती है मुद्दों से भटकाने के लिए। बात की जाए अगर अगर इसको लेकर तमाम तरीके से वहीं इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने बात की जाए 24 तारीख की 24 मार्च को बात की जाए उत्तराखंड की, तो अपने घोषणा पत्र में पुष्कर सिंह धामी ने कहा था चुनाव जीतेंगे तो कॉमन सिविल कोड को लेकर आएंगे और उन्होंने उसे पूरा किया। और कॉमन सिविल कोड को लेकर कमेटी और ड्राफ्ट को लेकर बात सामने आई कि कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा साफ तौर पर 24 मार्च को इस बात का ऐलान किया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, बकायदा इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा। अभी इसको लेकर बातचीत चल रही है। वहीं अब जब हम यूपी की तरफ जाते हैं तो यूपी में भी अभी हाल ही में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया उसके बाद से तमाम तरीके से बहस छिड़ गई है और सियासत परवान चढ़ती नजर आ रही है। किस तरीके से कॉमन सिविल कोड को लेकर तमाम तरीके से लगातार तेजी से मुद्दे उठ रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो ये कानून पाकिस्तान, इजिप्ट के कई, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे तमाम देशों में पहले से ही लागू है। इससे पूरी तरह से जो महिला है, महिलाओं के अधिकारों का हनन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे, उनको भरता दिया जाएगा। तीन तलाक के नाम पर जो महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं उससे बच जाएंगी महिलाएं, महिलाओं को अधिकार मिलेगा कि उन्हें कोर्ट से भरता दिया जाए। वहीं अगर बात की जाए इसको लेकर तो इससे तमाम तरीके से जो बहुचर्चित जो एक बीवी के होते दूसरी पत्नी से शादी कर लेते हैं तो वो जो है, वो परंपरा है, वो रिवाज है, वो तमाम तरीके से खत्म होगा क्योंकि अभी ये कानून के दायरे में आ जाएगा, सभी के लिए एक ही जैसा कानून होगा, तो वो चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से निरस्त हो जाएगी। तो इस तरीके से किस तरीके महिलाओं को शोषण से मुक्ति मिलेगी, महिलाओं के लिए ये कानून बेहद जरूरी है। शाबानों के केस में भी ये मांग उठी थी। अब बात की जाए अगर हिंदू पर्सनल लॉ में, तो भारत में हिंदुओं के लिए, अगर हिंदू के लिए बात की जाए तो हिंदू कोड बिल लाया गया देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को चार हिस्सों में बांट दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने पहले हिंदू मैरिज एक्ट, इसको चार खंडों में बांट दिया था, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इसे चार भागों में बांटा था। यानी कि अब इस कानून ने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया, इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। वहीं अगर बात करी जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर तो देश की मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इसके लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है, लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो ये पूरी तरह से
गलत ठहराया जाएगा, इस कानून को निरस्त किया जाएगा तमाम तरीके से, जितने भी हिंदू पर्सनल लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है सब निरस्त हो जाएंगे, सिर्फ एक ही लागू होगा, वन नेशन वन लॉ, यानी कि एक देश एक कानून की नीति लागू होगी और ट्रिपल तलाक से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ट्रिपल तलाक के और भी तरीके दिए गए हैं, लेकिन उसमें तीन तलाक भी एक प्रकार का तलाक माना गया है, जिसे कुछ मुस्लिम विद्वान शरीयत के खिलाफ भी बताते हैं। वहीं कुछ महिलाओं को हलाला से भी मुक्ति मिल जाएगी। तमाम तरीके से जो महिलाओं को तलाक के बाद अब अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ में एक तरफ जिस तरीके के कानून बने हैं वो महिलाओं को एक तरह से बांध के रखते हैं, दायरे में रखते हैं, महिलाओं के सीमित अधिकार रखते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन सिविल कोड की बात करें तो महिलाओं को एक आज़ादी देते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण देते हैं, चाहे महिला किसी भी समुदाय की हो, महिलाओं को धर्म जाति के आधार पर स्वतंत्रता देते हैं। इस लॉ में महिलाओं को तलाक के बाद पति से किसी भी तरह के गुजारे भरते या संपत्ति का अधिकार नहीं था, बल्कि अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ बोर्ड की, तो इसमें तलाक के बाद किसी भी तरह का भरता नहीं दिया जाने का था। लेकिन वहीं अगर हम कॉमन सिविल कोड की तरफ आते हैं तो ये कॉमन सिविल कोड इस बात का ऐलान करता है कि महिलाओं को तलाक के बाद भी पति से खर्चा मिलता रहेगा, उसकी संपत्ति में उसका अधिकार दिया जाएगा। तो मुस्लिम लॉ तमाम तरीके से कितना ज़रूरी कानून है, ये कॉमन सिविल कोड जो आर्टिकल 44 के तहत आता है, नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के तहत ये शामिल है, अनुच्छेद 44 के तहत ये शामिल किया गया है। किस तरीके से एक इसमें किसी भी समुदाय के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, सभी कानून निरस्त करते हुए सिर्फ एक ही कानून, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर हिंदू सिविल बोर्ड हो, तमाम तरीके के बोर्डों को ध्वस्त करते हुए सिर्फ एक ही कानून लागू होगा, वन नेशन वन लॉ लागू किया जाएगा, देश में महिलाओं की स्थिति में इससे सुधार आएगा। वहीं इसको लेकर तमाम तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने सियासत शुरू कर दी है, सियासत इस तरीके से परवान चढ़ रही है कि लगातार इसको लेकर तमाम तरीके से महंगाई को लेकर, जहांगीरपुरी में अभी जो हिंसा की वारदात सामने आई उससे भटकाने का प्रयास इसे समझा जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी इसको लंबे समय से इस मुद्दे को उठाती रही है, कॉमन सिविल कोड को बनाने को लेकर, तमाम तरीके से लागू करने को लेकर बीजेपी इसको हमेशा से इसको उठाती रही है। वहीं कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति मान रहे हैं, कुछ इसे तुष्टीकरण भी बता रहे हैं। तो तमाम तरीके से इसको लेकर जो मांगे उठ रही हैं वो समय के साथ साथ बदलती जा रही हैं। कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार इस तरीके की मांगे सामने आ रही हैं। वहीं इसको लेकर जो है पाकिस्तान, तुर्की और तमाम देश, जो पाकिस्तान इजिप्ट के देश हैं, वहां पर ये कॉमन सिविल कोड लागू हो चुका है, वहां पर इसकी तर्ज पर तमाम तरीके से जो फैसले हैं। वहीं अब बात करते हैं इसी कड़ी में गोवा की। गोवा एक ऐसा पहला राज्य है जहां साल 1961 में सबसे पहले जो था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये पुर्तगाली लॉ के अंडर आता है, अंडर जो है पुर्तगाली सरकार ने ही इसे लागू किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, वहाँ साल 1961 में गोवा ऐसा पहला राज्य था देश का जहाँ पर ये लागू हुआ था। अब उसके बाद उत्तराखंड है जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, उसके बाद अगर ये यूपी में लागू किया जाता है, अभी तो विचार विमर्श चल रहा है, तो फिर ये तीसरा राज्य बन जाएगा और हो सकता है कि देश के अन्य, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश के अन्य शहरों में भी ये लागू हो सकता है, इसको लेकर अन्य राज्यों में ये लागू हो सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श जारी है। तमाम तरीके से जो है इसको लेकर सामने आ रहा है किस तरीके से। अब हम बात यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पुर्तगाल सरकार ने ही इसे साल 1961 में गोवा में लागू किया था, लगातार इसको लेकर सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है, लगातार तमाम तरीके से इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी कुछ हैं जो
तमाम तरीके से फ्रंट फुट पे आकर तमाम तरीके से बयानबाजियां कर रही हैं, इसको लेकर आपत्ति जता रही हैं, इसे मुद्दों से भटकाने की बात बता रही है और इसे भाजपा सरकार की बस जुमलेबाजी करार दे रही है। वहीं इसको लेकर तमाम तरीके से जो है कुछ समर्थक भी निकल के आ रहे हैं। अधिकतर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब बयान दिया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि देश की अधिकतर जनता जो है इसे सपोर्ट कर रही है, कॉमन सिविल कोड को लागू करने को लेकर सपोर्ट कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये लागू होता है तो देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है, लेकिन इसको लेकर तमाम तरीके से राजनीति और सियासत गरमाती जा रही है, राजनीति भी परवान चढ़ती जा रही है। कुछ सपा के नेताओं का ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से इसको लेकर जो मांग उठ रही है वो मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कल में क्या यूपी में सिविल कोड लागू होगा, क्या यूपी में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, या बस ये वादों में ही रह जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।